एक कहानी ऐसी भी। गर इरादा हम कर ले तो कहां मात खाएंगे, गर इरादा हम कर ले तो कहां मात खाएंगे, डगर लंबी है तो क्या सबकी कोशिश से पार पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वहीं अकेली लकड़ी को एक एक करके कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर इन्हीं लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ पाता, है ना। मतलब वही कि सभी के सम्मिलित प्रयास से हम मुश्किल से मुश्किल दौर को भी पार कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी में, जहां हम एक ऐसी मुश्किल बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सभी के सम्मिलित प्रयास से पार पाया जा सकता है। इस बीमारी का नाम है फाइलेरिया। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो शहर गांव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, आदमी औरत में अंतर नहीं करती। ये कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि जब MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम, जिसे सामूहिक दवा सेवन भी कहते हैं, इसके तहत जब फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाए तो ये दवा सभी को जरूर खानी है। फाइलेरिया बीमारी से बचाव और सामूहिक दवा सेवन में किस तरह से सभी की भागीदारी जरूरी है, इसके लिए आज हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं जनपद की मलेरिया अधिकारी ऋतु श्रीवास्तव जी। और ऋतु श्रीवास्तव जी से बात करने के लिए, फाइलेरिया बीमारी से संबंधित कोई भी सवाल पूछने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 0522-411-3551-0522-411-3351। फोन कीजिए, प्रश्न पूछिए। ऋतु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सामुदायिक रेडियो स्टेशन के हमारे इस लाइव फोन इन कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी में। सभी को बहुत सारा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आप लोगों को जो जानकारी प्रदान होगी उससे हमारी कम्युनिटी में, हमारे समुदाय में जो एक जो जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में लोगों को जागरूकता होगा। ऋतु जी आपने ये तो बता दिया कि मतलब ये फाइलेरिया के बारे में कितनी ज्यादा जागरूकता जरूरी है, लेकिन बहुत सारे सवाल फिर भी हमारे मन में आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी फाइलेरिया से संबंधित कोई भी सवाल मन में उमड़ रहा है तो आप बिना देर किए हुए हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर है 0522-411-3351। इस नंबर पर आप ऋतु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे का हमारा ये कार्यक्रम है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। ऋतु जी मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, और अपने श्रोताओं की तरफ से जो पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं वो ये है कि फाइलेरिया से बचाव के लिए सामुदायिक स्तर पर, यानी समुदाय के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी बहुत आपका सवाल जो है उसमें हमारे सरकार का जो योगदान है, जो हम लोग इस बीमारी को रोकथाम के लिए जो कार्य करते हैं वो जो निरंतर चलते हैं हमारे, उसके बारे में हम जी फाइलेरिया क्लिनिक रन करती हैं जी, जो रात में 8 बजे के बाद, चूंकि इस बीमारी का जो है वो टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुप ब्लड निकाल करके इसका टेस्ट किया जाता है जी, तो 8 बजे रात के बाद जब सुप्तावस्था में ये कीड़ा जब इंसान होता है तब ये जो कीड़ा है वो लोगों के शरीर के खून में निकल के आता है। अच्छा, उस समय जो है इसमें एक सवाल हमारे साथ पूछ करके जोड़ना चाह रहे भाई श्रोता। हेलो, एक सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। प्रकाश से। जी प्रकाश जी, प्रश्न पूछिए। जी कर गया है और वो बीच में कोई मतलब फाइलेरिया की दवा खाना चाहता है, रिसीव कर गया, तो क्या स्वास्थ्य विभाग वो मुहैया कराता है। जी बिल्कुल, बहुत आपका बहुत सवाल बहुत अच्छा है। हम लोग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA के तहत साल में एक दफे तो घर घर जाकर के दवा खिलाते ही हैं,
लेकिन इसके अलावा अगर आप जो हैं वो दवा खाना चाहें या किसी को बीमारी साल भर में किसी भी समय हो सकती है किसी को बीमारी, तो ये दवा जो है वो निःशुल्क उपलब्ध है हमारे सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। आप किसी भी जगह अगर जाएंगे किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे तो वहां पर उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ हर जिले में हमारा जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय होता है जो अब परिवर्तित होकर जिला वेक्टर बॉर्न जनित अधिकारी है। हम सब सारी ही बीमारियां देखते हैं जो मच्छर जनित हैं, तो उस कार्यालय में भी आपको ये दवा और इस दवा से दवा और साथ में उसके साथ आप किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, किस तरीके से रखरखाव करना होता है, इसकी पूर्ण जानकारी आपको साल भर मिलेगी। जी प्रकाश जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने सवाल पूछा है आपको उसका जवाब मिल गया है और आप सैटिस्फाइड हैं। हेलो, चलिए मेरे ख्याल से उन्होंने सुन ही लिया हो गया। और देखिए बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़े, 0522-411-3351 इस नंबर पर आप तुरंत प्रश्न पूछ सकते हैं और ऋतु श्रीवास्तव जी से आप इसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल है तो हमारे साथ जनपद की मलेरिया अधिकारी ऋतु जी हैं, तो उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। 0522-411-3351 ये नंबर है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया ऋतु जी कि ये रात में आपके पूरी तरीके से सब आपका परीक्षण वगैरह किए जाते हैं, मतलब उसके नमूने निकाले जाते हैं। लोग अभी भी नहीं समझ रहे, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो सोचेंगे कि अब कब मच्छर काटेगा और कब होगा, बहुत मतलब इस चीज को लेकर के अभी भी इतनी जागरूकता के बावजूद भी दुविधा है। लोग स्वयं अपना बचाव कैसे कर सकते हैं फाइलेरिया से और खुद लक्षण को कैसे पहचान सकते हैं? जी, इसके बारे में तो हम बहुत आप लोगों के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि यदि आपको जो है कभी भी तेज बुखार आता है उसके साथ अगर बदन में सूजन आ जाती है तो आपको फाइलेरिया की बीमारी हो सकती है। इसके लिए आपको जो है वो अपना किसी समय भी जो हमारे जनपद के अस्पताल हैं। सॉरी, आपको रुकना चाहेंगे, एक और सवाल शायद पूछना चाह रहे कोई। हेलो, हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद अटवाल है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी आनंद जी, अपने प्रश्न कीजिए। जी मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि यदि कोई फाइलेरिया का मरीज मिलता है या हमारे संज्ञान में जैसे आता है जी, तो हम उसे क्या सलाह दे सकते हैं, मतलब उसे क्या संभव मदद दी जा सकती है, उसे क्या बताया जा सकता है कि वो कहाँ संपर्क करे, उसे विभाग की योजनाओं के बारे में अगर बताना हो या जो सेवाएं विभाग के द्वारा कर रही हो उस संबंध में अगर उसे जानकारी देनी हो तो कहाँ संपर्क करे। आनंद जी, चूंकि आपने लखनऊ की बात करी है तो आपको लखनऊ के बारे में बता दूं कि हमारे सिविल अस्पताल में हर बृहस्पतिवार को 8 बजे के बाद जो है वो एक फाइलेरिया इंस्पेक्टर जो है वो फाइलेरिया क्लिनिक रन करती हैं, जहां पर जो है वो हमारे पूरी यूनिट रहती है और चेकअप के लिए वो खून की जाँच करते हैं। यदि जो है वो आपको फाइलेरिया निकलता है तो आपको पूरी दवा भी मुहैया करवाते हैं हम लोग। उसके अलावा हम लोग जो हैं वो किस तरीके से व्यायाम करने हैं, किस तरीके से रखरखाव करना है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। एक और श्रोता अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। धन्यवाद, मैं कर्नल एस मिश्रा बोल रहा हूँ। जी मिश्रा जी, हम अपनी यहाँ के अरे वाह, बहुत बहुत। मैं जानना चाहता हूँ कि फाइलेरिया के बारे में हम अपने लोगों को किस तरह से कर सकते हैं, क्या मतलब किस तरह से काम कर सकते हैं, आपको क्या मदद मिल सकती है? बिल्कुल, ये चीज बताइए। जी कर्नल साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये जो आप है, अगर आप मच्छर, ये एक मच्छर जनित बीमारी है और ये जो फाइलेरिया का मच्छर है ये गंदे पानी में, नालियों में या गंदी जगहों पर पनपता है, तो अगर आप अपनी सोसाइटी में साफ सफाई रखेंगे, कहीं गंदगी नहीं होने देंगे, मच्छरों को पनपने नहीं देंगे, तो आप अपने सोसाइटी के लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी मदद जो आप अपने लोगों की और सरकार की दोनों की कर सकते हैं वो ये है कि जब सरकारी तौर पे हमारे यहाँ से लोग दवा खिलाने के लिए आते हैं तो ज़्यादातर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हम लोगों के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको अंदर ही नहीं जाने देते हैं, दवा ही नहीं खिलाने देते हैं कि बीमारी तो है नहीं, तो
हम दवा क्यों खाएं, तो अगर आप इसके लिए वो उनको जो है वो प्रेरित कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इस यहाँ तक मैं तो आदमी जो हूँ जी, और जब तक हम आदमी में जो थे तो हमारे यहाँ तो ये फाइलर का जो मशीन चलाने का जो काम करना होता था, फाइलर टेस्टिंग का काम हमेशा शाम को 7-8 बजे तक होता था जी जी। तो हम लोग जहाँ जितने लोग फैमिली जाते थे सबका टेस्ट लगाते थे जी जी, एक भी होता था मशीन का भी जो चीजें होती हम लोग जी। सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का यही होगा कि दवा का सेवन कराने में हम लोगों की मदद करिए और साफ सफाई रखिए, और सिर्फ अपनी सोसाइटी में नहीं, जितने लोगों से आप लोग मिलिए, जितने लोगों तक आप हम लोग ये इस बात का प्रचार प्रसार कर सकें कि बीमार हम नहीं हैं, पर आपको पता ही नहीं चलता कि आप बीमार हैं, क्योंकि इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो जी हमारी कॉलोनी में 400 जी जी हेलो जी जी हमारी कॉलोनी में 400 घर हैं, और मैं हमारे यहाँ एक ग्रुप दो ग्रुप बने हुए हैं, और उसी से हम सबको समझा सकते हैं, जब भी टीम आएगी तो सभी लोग उसको अटेंड करेंगे। थैंक यू सर, सभी कोई भी संदेह ऐसी नहीं होगी यहाँ जो अटेंड नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा हम लोगों के लिए, धन्यवाद। तो आप जब भी प्रोग्राम बनाए तो मेरा नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए। बिल्कुल, आप अपना नंबर हमारे जो प्रोग्राम यूट्यूब पर ये अपलोड होगा ना, तो उस पर प्लीज आप कमेंट में भी जरूर रख दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग नहीं मिल पा रहा है टाइमिंग करने के लिए बोला है, वो आपका जो ऐप है वही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नहीं सवाल तो आपका आ गया है, सवाल हम लोगों ने नोट भी कर लिया, और ये सवाल सिर्फ मतलब हम ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में आपका ये सवाल और ये जो जवाब ऋतु जी ने दिया है वो पूरी तरीके से ये जाया गया है, और आगे आगे भी जाएगा, क्योंकि हम बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस कार्यक्रम को अपलोड करेंगे, तो आपका सवाल जरूर बहुत अच्छा भी है और सब तक पहुँच भी जाएगा। थैंक यू सर। आप हमारे यहाँ कार्यक्रम कैसे करेंगे उसके लिए? बिल्कुल, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, जो कि हम लोग प्लान करके आपको थैंक यू सो मच। मुझे कैसे अप्रोच कैसे करेंगे? हम कर लेंगे सर, आपने नाम अपना बताया, मेरा नंबर अगर कहीं से नोट कर लें आप बता दीजिए नंबर 8299 जी, रिकॉर्ड हो भी रहा है जी, 8299 जी जी, आगे बताइए 6-0-2-9-7-7। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से हम चाहेंगे कि आप अपना वो वाला प्रश्न जरूर उसका उत्तर पूरा करें कि किस तरीके से लक्षणों को पहचान पाए, आपने बताया कि बहुत तेज बुखार हो, स्वेलिंग हो, उसके अलावा अगर स्वेलिंग आ जाती है तो फिर आपको जरूर अपने फाइलेरिया की जो है टेस्ट कराना चाहिए, जो रात में 8 बजे के बाद किया जाता है। और मान लीजिए आपके टेस्ट में नेगेटिव आता है, आपको नहीं निकल के आता है, उसके बावजूद आपको एक डोज दवा की जरूर सेवन कर लेना चाहिए, ताकि यदि आपके अंदर कोई ऐसे कीड़े हैं, फाइलेरिया के जो हैं वो कीड़े हैं, तो वो जो हैं जो अभी उस ब्लड के नमूने में नहीं आ पाए हैं, तो भी आपके अंदर ये दवा अगर चली जाती है तो उनका नाश हो सके और आगे आगे आपको ये बीमारी ना हो सके। क्योंकि इस बीमारी का जो सबसे बुरा एस्पेक्ट है वो यही है कि मच्छर आपको कब काटता है ये आपको पता नहीं चलता, और इसके जो लक्षण है उसको परिलक्षित होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, तो आप समझ ही नहीं सकते हैं कि कब आपको मच्छर ने काटा और कब आपको बीमारी का रूप दिखना शुरू हुआ। अच्छा, सरकार तो काफी इस चीज को लेकर के जागरूक है, इस बीमारी को लेकर के जागरूक है, तो MDA राउंड जो चलाया जा रहा है वो इसीलिए ताकि इसको बीमारी को पूरी तरीके से इसका खात्मा हो सके, तो उस MDA राउंड के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ज्यादा जानकारी दें जी। सरकार की तरफ से पूर्णता प्रयास है, एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप MDA बोल रहे हो वो कार्यक्रम चलाया जाता है, उसका उद्देश्य ये होता है जैसे कि नाम इटसेल्फ बता रहा है आपको, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक साथ जब समुदाय में दवा का सेवन किया जाता है तो किसी के अंदर भी अगर ये कीड़े जीवित हैं तो वो उनका नष्ट हो सके, नाश हो सके, तो जो मच्छर अब ऐसे व्यक्ति को काटेगा जिसके अंदर ये कीड़े रहे होंगे उसका नाश हो चुका है, तो मच्छर अब काट के उसको आगे फैलाव नहीं कर सकेगा।
तो एक साथ दवा खाने से हमारी प्रयास ये होता है, सरकार का प्रयास ये होता है कि हम एक साथ समुदाय में इस बीमारी को खत्म कर सकें। इस दवा का सेवन जरूर करना चाहिए, साल में एक दफे यदि 5 साल तक आप दवा का सेवन कर लेते हैं तो आपको ये बीमारी 99% जिंदगी में कभी नहीं होगी। अच्छा, ये है कि मतलब दवाई में इतनी ज्यादा इनकी ताकत है कि उसको पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता है, बशर्ते दवाई जरूर खाए। साल में एक बार खाने से जो है वो आप जरूर खाएं दवा, तो आप नाश कर सकते हैं। अच्छा मैम, अगला प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि फाइलेरिया से बचाव में चलाए जा रहे कार्यक्रमों में स्वयं सेवी संस्था जैसे एनजीओ वगैरह जो है, वॉलंटियर ग्रुप है, आम नागरिक है, वो लोग करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से आगे आ सकते हैं, आम नागरिक किस तरीके से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, किस तरीके से वो इस जो इस मुहिम में वो जुड़ सकते हैं। जी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, हमारे SHGs हैं, ये जितनी भी हैं वो बहुत हम लोगों का सरकार का एक बहुत मजबूत हिस्सा बन सकते हैं, बहुत मजबूती से हमारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये एक समुदाय से जुड़ी हुई बीमारी है जिस बीमारी को लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, चूंकि लक्षण नहीं दिख रहे हैं, आपके अंदर कीटाणु पनप रहे हैं लेकिन आपको चूंकि पता नहीं चल रहा किसी तरीके से, तो आप समझने को तैयार नहीं है, तो इसमें जन जागरूकता का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी बात यह है कि इस बीमारी के 3 रूप होते हैं, एक वो जिसको हम हाथी पांव कहते हैं जिसमें जो है वो पैर सूज जाता है या हाथ सूज जाता है, या जो है आपके पुरुषों में जो है अंडकोश में जो है सूजन आ जाती है, महिलाओं में जो है स्तन में सूजन आ जाती है, ये तो वो बीमारी का वो रूप है जो हमें दिख रहा है, लेकिन जैसे जेंट्स में हाइड्रोसील हो जाता है वो लोग वो बताने से भी कतराते हैं जी, तो वो निकल के ही नहीं आ पाता है कि इस इंसान को भी फाइलेरिया का रोग है, और वो एक ट्रांसमीटर बन के काम करता है सोसाइटी में, जन समुदाय में, वो जब भी उसको मच्छर काटेगा वो आगे देगा जी। तीसरा रूप इस बीमारी के है जिसमें जो है वो जी तीसरा रूप जो इसका है वो काइलूरिया कहलाता है, जिसमें कि जो है वो जो इफेक्टेड इंसान है उसकी यूरिन जो है उसकी पेशाब का रंग जो है सफेद हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो अक्सर बताते नहीं हैं या निकल के नहीं आ पाते हैं कि ये फाइलेरिया के पेशेंट्स हैं, और जो कीटाणु है वो समुदाय में ही जो है वो रह जाता है। तो जो हमारी एनजीओज हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो हमारी एसोसिएशंस हैं, वो सबसे बड़ा जो हम लोगों के लिए सहयोग दे सकते हैं वो ऐसे लोगों को हम लोगों तक जोड़ने का कार्य है। और इसमें हमारे जो CFR के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लखनऊ में, कानपुर में, यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो लोग डर के मारे या किसी समाज के डर के डर से, समाज में एक छवि खराब होने की वजह से वो नहीं बताते हैं, उन पेशेंट्स को भी बाहर निकाल के समझा के और प्यार से निकाल करके ला रहे हैं, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों का कि उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, और वो ग्रुप्स जिसको हम कह सकते हैं एज हार्बिंजर्स ऑफ चेंज, दे आर वर्किंग एज हार्बिंजर्स ऑफ चेंज, और वो समुदाय में जाकर के बताते हैं कि देखो हमारा पैर ऐसा हो गया, हमारा हाथ ऐसा हो गया, आप लोग दवा खा के कम आप अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सके। मैम, जब हमने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे इस बात को जिक्र किया था कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो दो बड़े अहम सवाल हमारे साथ लोगों ने पूछे थे। वो ये है कि हम लोगों को दवाई के लिए कहा जाता है कि क्या, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि मच्छरों का ही खात्मा हो जाए। मच्छर एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ फाइलेरिया ही नहीं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सब कुछ कर सकती है। देखिए, प्रभु की बनाई हुई प्रजाति है, इसका नाश तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इससे बचाव हमारे हाथ में है। और बचाव ये है कि हम हर तरीके से अगर गंदगी से दूर रहें, साफ सफाई रखें, और हर मच्छर बीमारी लेके नहीं आता है, पैरासिटिक लोड होता है, मतलब ये है कि अगर हमारे समुदाय में कोई बीमार है तब वो बीमारी उसी से आगे आती है,
तो फाइलेरिया है तो फाइलेरिया लेके जाएगा, डेंगू है तो डेंगू आगे वो बढ़तेगा। ये सब क्लस्टर की बीमारियां हैं, मतलब एक अगर एक जने को समुदाय में है तो दूसरे को भी हो सकती है। अमूमन देखने को मिलता है कि एक परिवार में अगर फाइलेरिया है तो उसी परिवार के दो तीन लोग और इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वही मच्छर जी उन लोगों को भी तो काटना है ना। बिल्कुल, तो हम लोग यही समझाते हैं जिनको हो गया है कि आप कम से कम अगर आप प्रभावित हो चुके हैं तो आप मच्छरदानी में सोएं, आप अपने आप को मच्छर से बचाएं कि आप तो पीड़ित हो ही चुके हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपका काटा हुआ मच्छर न काट सके। क्या ये भी पॉसिबल है कि जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा इम्यून, बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें ऐसे कुछ नहीं होता तो उसको ना हो और जो कमजोर है उसको नहीं था, कुछ हो सकता? एक सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैम मैं विनीता बोल रही हूँ। विनीता स्वागत है, और जो मैम आई हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी विनीता, अपना प्रश्न कीजिए। मैम हमारे लिए सवाल है कि जैसे मैम गर्भवती महिला हो, उनको फाइलेरिया हो गया हो तो उनको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग गर्भवती महिलाओं को ये दवा उनके जब उनके जो है वो गर्भवती है तब दवा नहीं देते हैं, क्योंकि जो बच्चा है उस पर इसके क्या इफेक्ट्स होंगे इसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से नहीं है कि हो सकता है उसके कोई दिक्कत उसको आ जाए। क्योंकि ये दवा खाने के बाद अगर आप में कीड़े हैं, अगर आप में कीटाणु हैं तो किसी भी आम व्यक्ति को भी चक्कर आ जाता है और जी घबराने लगता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी खुजली हो जाती है। जब ये कीड़े मरते हैं शरीर में तो इस तरीके के लक्षण देते हैं, इसीलिए हम लोग गर्भवती महिलाओं को अवॉइड करते हैं इस दवा को देने के लिए। लेकिन आप अपने जब आपकी जो है वो डिलीवरी हो जाए आप जो है उसके बाद इस दवा का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दवा आप साल में कभी भी खा सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं को आप लोग नहीं खिला। अच्छा, बहुत भ्रांति है कि फाइलेरिया तो शहरी क्षेत्र में है, ये तो गांव की भी बीमारी बहुत लोग कहते हैं, मगर अपने आसपास में यही लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता, गांव में होगा ये। जी ये बहुत बड़ी भ्रांति है और आपको जान के बहुत ताजुब होगा कि जो शहर के डेटा है वो निकल के तो नहीं आता है जी। लेकिन इसी वजह से जो आप भ्रांति कह रही हैं और लोग बताने से भी कतराते हैं, क्योंकि जो शहर की जनता है पढ़ी लिखी उसको लगता है हमें तो हो ही नहीं सकता, तो वो बताने से भी कतराते हैं अगर उनको ऐसी कोई बीमारी है। लेकिन है, क्योंकि गंदगी तो हर जगह है, मच्छर तो हर जगह है, और दिस इज मोर अ पुअर मैंस डिजीज। कारण ये है कि जो लोग नालों के आसपास जिनकी बस्तियां होती हैं, जिनके घर होते हैं, वो कोई भी लोग हो, वहां पर चूंकि ये मच्छर जो है हमारा क्यूलिप्स ये गंदे पानी में होता है, इसलिए उन घरों के आसपास इसका जमावड़ा होने का ज्यादा संभावना होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं संभ्रांत घरों में नहीं हो सकता, क्योंकि संभ्रांत घर के बगल का जो प्लॉट है वो खाली भी हो सकता है, उसमें गंदा पानी भी इकट्ठा हो सकता है, उसके उनके घर के आगे गंदी नाली भी हो सकती है। तो मच्छर है, वो नहीं जानता कि आप संभ्रांत हैं, आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, वो तो कहीं भी काटेगा और किसी को भी बीमारी देगा, इससे बचना तो सकते। तो दोस्तों अभी भी आप जुड़ सकते हैं, सिर्फ 7 मिनट बाकी है इस कार्यक्रम में। तो अगर आप सोच रहे हैं मन में सवाल है तो आप सोच रहे होंगे कि कोई और पूछ ले, आप भी पूछ सकते हैं 0522-411-3351 इस नंबर पर आप तुरंत प्रश्न कीजिए और जो ऋतु जी है उनसे आप इसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। जनपद की मलेरिया अधिकारी है ऋतु शोभा सचिव, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। 6 मिनट बाकी रह गए हैं इस कार्यक्रम के समाप्ति में, आप तुरंत प्रश्न पूछ सकती है। तो एक प्रश्न और है कि जैसे आपने जो हाथी पाव का जिक्र किया और जो लटकते हुए फल है तो उनके सूजन का जिक्र है, तो ये जल्दी चीजें वो फाइलेरिया का ही एक तरीके से जी, जी। तो अगर एक बार फाइलेरिया हो जाए तो फिर मरीज क्या करेगा? एक दफे फाइलेरिया हो जाए तो ये एक लाइलाज बीमारी है जी। इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो रख रखाव का होता है। आप कम कर सकते हो इस बीमारी को, आप अपने रख रखाव से, व्यायाम से जो है आप इस बीमारी को अपने नियंत्रण में रख सकते हो कि और बिगड़ती ना जाए। इस बीमारी के 8 स्टेजेस होते हैं। अच्छा। और जो
तीन पहले स्टेजेस होते हैं उसमें आप वापस जा सकते हो, आप ऐसी स्टेज पे आ सकते हो कि आपकी जिंदगी में कोई फर्क ना है, सूजन आपकी जो है वो दिन में आपके कार्य करने पर बढ़ जाए पैरों में हाथों में, लेकिन रात में जब आप सोए तो वो बदल जाए। एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं मैश्विता। हेलो हेलो आमन, नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अपना नाम बताइए। जी मैं तुलसा बोल रही हूँ मैम। जी और मैम जो बैठी है उनको भी तुलसा का प्यार और नमस्ते। हेलो जी अपना प्रश्न कीजिए तुलसा जी। हाँ मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि जैसे कि फलेरिया होता है तो क्या मैम मेरे यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक महिला है वो बहुत मोटी हो गई, उसके पैर और पाँव बहुत मोटे ऊपर तक हो गए, तो क्या मैम ये आगे चल के मतलब इसका इलाज है ठीक हो सकता है? उनको तो काफी साल 30-35 साल से हैं, तो क्या ये आगे मैंने सुना है क्या ये पकता भी नहीं क्या मतलब ज्यादा दिन हो जाए तो क्या या फिर स्टंट है खत्म हो जाता है? वो तो कहती है इतना इलाज किया कभी वो ठीक ही नहीं हुआ और ना ठीक होगा। जी अगर वो ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है जहां पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इसकी 8 स्टेजेस होती हैं जिसमें कि पहली 3 स्टेजेस को हम रिवर्सिबल कहते हैं, तो ये एक इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच चुकी होंगी जैसे कि जिस तरीके से आप विवरण कर रही हैं उसका, तो उसका बस रखरखाव कर सकते हैं कि पानी से उसको वो धोती रहें, रोज उसकी अच्छे से धुलाई करें। जो आप कह रहे हैं उसमें पीलापन हो जाता है कि ये जो है उसमें मवाद पड़ जाता है वो इसलिए होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं जब साफ सफाई नहीं होती, तो जो स्किन है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं और वहां से आपके मवाद बनना शुरू होता है। तो किसी भी हाल में जो है वो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के जो है वो इसको ऑपरेट करा करके और मवाद निकलवाना नहीं चाहिए, सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ की सुविधाओं का उपयोग करिए। अगर आप सरकार अगर वो ऐसी व्यवस्था में है कि जो है वो सरकारी अस्पताल तक भी नहीं जा सकती है तो सरकारी अस्पताल तक उस इंसान के किसी साथी को पड़ोसी को परिवार वाले को जाकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसकी सूचना देनी चाहिए, वहां से कोई जाकर के आके देखेगा उनकी व्यवस्था, उनको व्यायाम बताएगा, उनको रखरखाव के तरीके बताएगा, उनको दवा देगा और उनकी बेहतरीन मदद करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा मैम इसके शुरुआत में तो वो कहते हैं ठीक कर जाता है ज्यादा होता है क्योंकि आप बिल्कुल ठीक नहीं होता वो तो वो कभी ठीक नहीं होगा और ऊपर मतलब घुटना है इसके ऊपर तक उनको हो गया वो काफी साल उनने प्राइवेट में भी इलाज करा क्या इसका इलाज ही नहीं हो इसका व्यायाम ही एक इलाज है। अगर एक दफे हो जाता है पानी से धोना साफ सफाई रखना शरीर की व्यायाम करना जो बातें बताई जाती हैं सरकारी स्थलों पर हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा हमारे डॉक्टरों के द्वारा प्रशिक्षित लोगों के द्वारा उन्हीं के द्वारा जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो करने के बाद अब अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से बिता सकते हैं। लेकिन यदि आप जो हैं वो किसी तरीके का बैंडेज बांध लेंगे या किसी तरीके से आप जो हैं वो किसी अन्यत्र जगह पर जाकर के इसका इलाज करेंगे तो और केस बिगड़ जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे मोहल्ले की बात की और मुझे अच्छा लगा इसके सभी लोग सुनकर सावधान हो जाएंगे। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तुलसा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे हालांकि समय बस हमारा समाप्त हो गया है, चलते चलते ऋतु जी आप हमारे श्रोताओं को संदेश दे देते हैं। जी बस यही कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे सरकारी जो सुविधाएं हैं और सरकार के जो प्रयास हैं उनमें हम लोगों का साथ दीजिए, दवा का सेवन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हैं वो इस बीमारी का छुपाने का नहीं उनको बताने के लिए प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और तो दोस्तों आपने सुना कि फाइलेरिया बीमारी से बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, इसलिए जब भी MDA राउंड चले तो उसमें शहरी और ग्रामीण सभी दवाएं जरूर है और इसके लिए सभी का सम्मिलित प्रयास बहुत जरूरी है। और अब जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बताया था कि आपको इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनना है, पहले नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि उस नंबर पर आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देना है।
नंबर है 6389099888। फिर से बता दें 6389099888। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो पहले आप नोट कर लीजिए। एमडीए राउंड में फाइलेरिया से बचाव की दवा साल में कितनी बार दी जाती है? फिर से बताएं, एमडीए राउंड में फाइलेरिया से बचाव की दवा साल में कितनी बार दी जाती है? अब जब नंबर आपने आपको बताया था ना 6389099888, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना जवाब या संदेश भी। तो पहले आप अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पूरा पता दीजिए और उसके बाद लिखिए अपना जवाब। नंबर बता दें 6389099888। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम एक कहानी ऐसे भी पसंद आया होगा। फाइलेरिया के ऊपर हर शनिवार इसी समय पर हम और भी कार्यक्रम लेकर आएंगे। आप ये कार्यक्रम हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CFAR यूट्यूब, इस पर भी आप सुन सकते हैं। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त सोमा को और हम स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। एक कहानी ऐसी भी। फाइलेरिया रोग पर 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो की विशेष प्रस्तुति एक कहानी ऐसी भी। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई